काफी बार हमारे मन में सवाल आते रहते हैं कि अपने लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ में मीनिंग क्या है। और ये सवाल काफी लोग हमें पूछते रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं, अलग अलग उम्र के लोग पूछते रहते हैं कि एक्चुअली लाइफ का मीनिंग क्या है। देखिए क्या है कि जब आदमी सर्वाइवल मोड पे है, इसका मतलब ऐसा है कि सर्वाइव कर रहा है, कि उसको अन्न वस्त्र और निवारा, खाना अन्न वस्त्र यानी कपड़े और निवार यानी रहने की जगह, इसके लिए आदमी दौड़ते रहता है। और बहुत सारे लोग तो इसमें गुते हुए हैं कि भाई हमारे जितने खर्चे हैं उतनी मेरी आमदनी होना चाहिए ताकि मैं जी सकूं। तो फिर पर्पस क्या होता है? तो पर्पस ये है कि भाई पैसा कमाओ और जियो, ये उसके लाइफ का पर्पस होता है। और मैक्सिमम लोग हमारे देश में इसमें अटके हुए हैं कि कमाओ और खाओ, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? तो उनका पर्पस यही है। अब ऐसा स्टूडेंट है तो उसका क्या पर्पस होता है? उसका पर्पस होता है कि भाई 10th पास करूँ, ग्रेजुएशन करूँ या कोई डिग्री लूँ, वो उसका पर्पस होता है। अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग पर्पस होते रहते हैं या कुछ गोल्स रहते हैं या कोई उद्देश्य रहते हैं। जैसे 25-26 साल की उम्र होगी तो फिर रहता है कि अभी अपना गोल है या पर्पस है अभी कि मैरिज करना है, सेटल होना है, अच्छी नौकरी ढूंढना है या कोई बिजनेस चालू करना है, वो हो सकता है पर्पस। मगर एक पर्पज जो है वो है सर्वाइवल ह्यूमन बीइंग का, कि वो सर्वाइव करना चाहता है। और सर्वाइव करके फिर एक समय वो ऐसा लाना चाहता है कि भाई अपना इनकम और अपना एक्सपेंडिचर एक लेवल पे आए और उसको दौड़ना पड़ता है अपना खर्चा निभाने के लिए। तो एक लेवल ये हो गई। अब दूसरी लेवल कौन सी है? कि भाई अपना इनकम थोड़ा ज़्यादा हो ताकि मैं मेरा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, फिर मुझे कुछ कम ज़्यादा हो गया तो मेरे फैमिली का टेक केयर हो जाएगा या बच्चों की पढ़ाई है उसके लिए मैंने पैसा जमा कर रखा है। मतलब मेरी जो नीड्स है वो नीड भविष्य में जो 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 प्रॉब्लम्स आने वाले उसके लिए भी थोड़ा पैसा मैं इंतज़ार उसका इंतज़ाम करूँ और इंतज़ाम करके वो रखूँ, तो वो भी एक पर्पज़ होता है। बहुत सारे लोगों का तो ऐसा होता है मगर कि एक्चुअली वो दिखते हैं अमीर मगर अमीर नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके जो है वो खर्चे इतने ज़्यादा है और आमदनी कम है। बता दे कि हम बहुत अमीर हैं तो अमीर उसको नहीं कहते, अमीर उसको कहते हैं कि जिसके पास में कमाई ज़्यादा है और खर्चे कम है वो अमीर है। गरीब वो है कि जिसके पास में खर्चे ज़्यादा है और आमदनी कम है। लोग तो ऐसा बताते हैं भपके कि भाई हम कितना कमाते हैं कितने, उल्टा है लोगों का, तो वो अमीर नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि लोगों ने पहली लेवल जो है कि सर्वाइवल, कि जितना अपना खर्चा है उतना कमाओ, वो पर्पस होता है। फिर दूसरा पर्पस एक होता है कि भाई जितना खर्चा है उससे ज़्यादा कमाओ ताकि बाकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, बच्चों का एजुकेशन है, अपना हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ के लिए कुछ तो भी पैसा जमा करके रखो, वो एक पर्पस हो सकता है। अभी वो भी इनफ कर लिया कि अभी मुझे बिना काम का भी एक अमाउंट आता आता जा रहा है, एक अमाउंट है कि मुझे आ रहा है, मतलब मेरा पैसिव इनकम है, जितने मेरे खर्चे हैं उतना मेरा पैसिव इनकम है और मुझे कुछ ना करते भी वो इनकम मेरा आ रहा है, तो अभी वो प्रॉब्लम सर्वाइवल का खत्म हो गया। अब सर्वाइवल का प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तो मुझे जितने खर्चे उतना मेरा पैसा पैसिवली आ रहा है। हो सकता है कि बैंक में डिपॉजिट होंगे, हो सकता है कोई किराया आ रहा होगा, हो सकता है कोई डिविडेंड मिल रहा है, हो सकता है कोई मतलब कोई क्रेडिट वर्थनेस में रहा है कहीं, तो या गुडविल है मेरा तो वहाँ का कुछ पैसा आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा पैसिव इनकम अपने को आ रहा है, तो वो एक लेवल हो गई। अब वो भी हो गया, अब पैसा भी ठीक है, फिर अब क्या करता है? अब उसका पर्पस तैयार होता है कि अभी मुझे नाम मिले, फेम मिले, बहुत इज्जत मिले, समाज में प्रतिष्ठा मिले, लोग मेरा नाम ले, लोग मेरे वाह वाह करें, वो उसका पर्पस हो जाता है, अभी उसके लिए दौड़ना शुरू हो जाता है। मगर आपको मालूम है ये कि इसमें कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो बॉटमलेस पिट है, एक डब्बा है जिसको बॉटम नहीं है, एक डब्बा है, डिब्बा है, उसको बॉटम ही नहीं है। अब उसमें कितना भी डालो तो भी कम है। देखो आपको मालूम है कि पैसा कितना भी कमाए तभी कम है, कितना भी कमाओ पैसा कमी है। वैसा कितना भी इज्जत मिली, कितनी भी शोहरत मिली, कितना भी अप्रिसिएशन हो गया, कितना भी एक्नॉलेजमेंट हो गया, कितना भी समाज में प्रतिष्ठा मिली, कितना भी कंफर्ट है, कमी है, उसको तो कोई अंत ही नहीं है। तो फिर उसमें फंसना कितना बुरा हो सकता है, उसमें आदमी फंसा हुआ है। एक तो पहले फंसा हुआ है कि सर्वाइवल में, रोजी रोटी में, वो एक जेल है, वो जेल में फंसा हुआ है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, और बाद में फंस गया इसमें,
अभी हमको चाहिए समाज में प्रतिष्ठा, इज्जत, शौहरत, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ताकि लोग बोले वाह क्या आदमी है, लोगों में प्रतिष्ठा मिल रही है। मगर वो कितना झूठा है, क्योंकि वो कभी पूरा होने वाला नहीं है, वो माउंट नेवरेस्ट है। हम तो वो जेल में फंस जाते हैं, दौड़ना चालू हो जाता है इज्जत के लिए, नाम के लिए, फेम के लिए, कंफर्ट के लिए, कोई प्रतिष्ठा मिले, कोई बड़ा बंगला हो, गांव के लोगों ने बोलना चाहिए कि वाह कितना बड़ा आदमी है। अभी ये है इसमें अंदर नहीं, तो फिर ये यदि आदमी छोड़ देता है सब, क्योंकि वो सब करने के बावजूद उसको लगता है कि मैं कुछ तो भी मिसिंग है, कुछ तो भी खाली है, एम्प्टी है, क्योंकि ये जिनके पास में इतना सब है वो भी कोई खुश नहीं है, उनको भी प्रॉब्लम है। तो फिर क्या है, फिर आपने ये देखना है कि मेरे लाइफ का एक्चुअली पर्पस क्या है। लाइफ का पर्पस फिर हो सकता है कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, ये जिंदगी है क्या, मैं कौन हूँ, मैं ये दुनिया में आया क्यों, मेरे आने का उद्देश्य क्या है, वो एम आई। फिर वो खोज होना वो एक्चुअली पर्पस आपका हो सकता है। एक्चुअली एक रियल पर्पस जो है वो है कि बीइंग हैप्पी, बीइंग हैप्पी, सो बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी। ये एक बहुत बड़ा पर्पस लोगों का होता है, और वो करने के लिए ही, मतलब ये पैसे से अटैच ना हो, क्योंकि पैसा आपने देखा है कि पैसा अपने पास में आ रहा है, पैसे लिए आ रहा है, फिर हम क्या ऐसा जी सकते हैं कि बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी? क्या हम ऐसा जी सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे कि भाई मैं कौन हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, ये लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, लाइफ में क्या करना है, लोगों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों का जीवन अच्छा कैसा कर सकता हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है ये दुनिया में, उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, और वो फिर जीवन हम जी सकते हैं। एक्चुअली लाइफ को कोई पर्पस नहीं है, एक्चुअली लाइफ में कोई मीनिंग भी नहीं है, देयर इज नो मीनिंग इन लाइफ। लाइफ में क्या मीनिंग है, हमको वो क्रिएट करने का है। और फिर जिनके पास में पैसा वगैरह आ गया, अभी उनके पास में कुछ करने लायक है नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, ऐश आराम की जिंदगी जियो, फिर लगेंगे अनेक बीमारियां, कुछ बीमारियां लगेंगी, कुछ गलत आदतें लगेंगी, और उसमें फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा यही है कि भाई जियो और जीने दो, अच्छा पर्पस तैयार करो, क्रिएट करो कि जो आपको खुशियां देगा, और वो उसके लिए स्टैंड ले लो, लोगों के लिए भी वो जीना संभव है ऐसा बता सकते हैं आप, और वो सच्ची ट्रांसफॉर्मेशन है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, हमारे चैनल को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।